Today we study chapter 15 Roman numeral of class 4. Roman numeral, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि Roman numerals क्या होते हैं, ये mathematics में symbol use होते हैं Roman numbers को लिखने के लिए. Roman लोग ये numerals use करते हैं. हम भी अपनी life में Roman numeral use करते हैं, like as counting के लिए आप watch में देखा होगा और so many uses के लिए हम रोमन नंबर लिखते हैं. रोमन लोग के जो वो सिंबल यूज करते हैं राइटर रोमन नंबर. रोमन नंबर लिखने के लिए वो सिर्फ सात ही इंग्लिश के लेटर यूज करती है. वो क्या है, सेवन लेटर है, आई वी वी एक्स एल सी डी एंड एम. दे यूज ओनली सेवन लेटर्स टू राइट न्यूमरल्स. फर्स्ट वन इज आई. आई स्टैंड फॉर वन, वी स्टैंड फॉर फाइव, एक्स स्टैंड फॉर टेन, एल स्टैंड फॉर फिफ्टी, सी स्टैंड फॉर हंड्रेड, एल डी स्टैंड फॉर फाइव हंड्रेड एंड एम स्टैंड फॉर वन थाउजेंड. ये जो सिंबल्स हैं इन्हीं सेवन सिंबल्स के साथ हम लेटर्स लिख सकते हैं. इनको लिखने के लिए सब रूल्स हैं कि कौन से लेटर्स हैं, कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, कैसे कौन से रिपीट नहीं हो सकते. फर्स्ट रूल इज अगर आप लिख रहे हो आई आई, मतलब एवरी लेटर अगर हम टू टाइम्स रिपीट कर दिया तो इसका मतलब है ऐड होगा इसमें. आई प्लस आई मतलब वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. एवरी लेटर वी ऐड हैव डिवोटेड टू एडिशन. और एक ही लेटर को हम तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. और जो लेटर रिपीट होती है वो है आई एक्स एंड सी. ये तीन ही लेटर है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं. वी एल एंड डी को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते. Because VV, suppose we have to repeat VV. V means 5, 5 plus 5, 10. 10, it means 10 का आपके पास क्या है? Symbol X. So, we not repeat the letters VV. And LL, देखिए LL. LL means L stand for 50 and 50. 50 plus 50 makes a 100. And 100 have a sign C. So 100 is denoted by letter C. Similarly, D. D stands for D, D. D stands for 500 plus 500 means 1000. And 1000 have symbol M. इसलिए बेटा ये जो letters हैं V, L and D are never repeated. Only letter I, X and C is repeated. I, 1, 10 and 100 is repeated. अब आप देखोगे कि कुछ subtract कौन-कौन से letter हो सकते हैं किसी भी greater letter में से. अगर आपको smaller letter subtract करने हैं तो I like is 5, B, I. अगर आप पहले लिखते हो तो B, 5, माइनस वन. अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्मॉलर डिजिट लिखा जाता है ग्रेटर डिजिट की तो वो क्या होता है, सबट्रैक्ट. अगर एक्स सबट्रैक्ट हो सकता है एल में से सी में से. इफ अ लेटर स्मॉल लेटर इज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ग्रेटर लेटर लाइक एन दिस एक्स आई, तो यहाँ पे बेटे क्या होता है कि हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं. एक्स डिनोटेड एज लेटर 10, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. इट इज सिंबल ऑफ 9. आई एक्स इज इक्वल टू 9. अब ये जो आई लेटर है वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, वी एंड एक्स में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. वी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना बनेगा 4, एक्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9. तो इट मीन जो ये लेटर है 1, I, वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है V में से एंड X, 5 में से एंड 10 में से. नेक्स्ट लेटर इज X. X किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम बेटा, X हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L और C
अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, क्योंकि बेटा कोई भी लेटर है जो वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिप्रेजेंट हम उसको नहीं लिख सकते। लाइक है 20 लिख लो आप एल एक्स एक्स एक्स, 50 60 70 एंड 80। अगर आप 90 के लिए ये लिखते हो तो ये गलत है आपका। 90 के लिए क्या लिखा जाएगा, एक्स सी। इट मीन्स 100 में से जब हम एक्स 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 वैल्यू आती है। ये तो थे एक्स, किस किस में से हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एल एंड लेटर सी में से। उसके बाद सी, सी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बेटा डी एंड एम में से। डी डी मीन्स 500, एम 1000। अब यहाँ पे एक्स सी डी एंड सी एम, इट मीन्स 500 में से अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू क्या आती है, 400। आप सी 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 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी। एंड नेक्स्ट वन इज सी एम, एम मीन्स 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट सम इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल। पहले हमने पढ़ा कि हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिख सकते हैं। अब हमें 44 हिंदू अरबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल में लिखना है। 40 के लिए सिंबल क्या होगा बेटा, एक्स एल, एंड 4 के लिए आई वी। तो 44 के लिए सिंबल होगा एक्स एल आई वी। नेक्स्ट वन इज 60 के लिए सिंबल होगा एल एक्स। 50 प्लस 10 60 80 5 6 7 8, तो 68 का सिंबल क्या हो जाएगा, एल एक्स 50 60 65 66 67 68। तो 68 का सिंबल होगा एल एक्स वी आई आई आई। नेक्स्ट वन इज 90 का सिंबल होता है बेटा एक्स सी। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस 8 के लिए वी आई आई आई। तो इसको जब हम ऐड करेंगे एक्स सी वी आई 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 इज सिंबल फॉर 98। नेक्स्ट वन इज 70 plus 9 70 50 60 70 plus 9 10 minus i x minus i 9। तो इसको लिखेंगे l x x i x। नेक्स्ट वन इज 81 80 plus 1, 80 के लिए सिंबल होगा l x x x। 50 60 70 80 plus 1 means i, तो सिंबल हो जाएगा टोटल l x x x i। नेक्स्ट वन इज 88 80 plus 8, 80 के लिए यही सिंबल l x x x plus 8 के लिए v 5 6 7 8, तो होगा l x x x v i i i। तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोमन नंबर्स को आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर डिवाइड करते हैं 40 प्लस 4, उसके बाद 40 का सिंबल देन 4। इसी तरह हम सारे ही लिखते हैं। अब हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल। पिछले क्वेश्चन में हमने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को रोमन नंबर में किया था, अब हम रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में करेंगे। फर्स्ट है एक्स एल आई एक्स, पहले हम इसको लिखेंगे एक्स एल प्लस आई एक्स। एक्स एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 प्लस आई एक्स 9।
means 40 plus 9, 49. L, X, I, X is read as 49 in Hindu Arabic numerals. Next one is L, X, X plus V, 1, I, I, I. L, X, 50, 60, 70 plus 5, 6, 7, 8. तो कितना हो गया 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78. नेक्स्ट वन इज एक्स सी वी आई आई. एक्स सी इज एक्स सी प्लस वी आई आई आई. एक्स सी इज 90 प्लस 7 8 7 इक्वल टू 90 7. Next one is X C I I I. X C plus I I I. X C की वैल्यू होती है 90 plus 3 equal to 93. X C I I is read as 93 in Indo Arabic numeral. Next one is X L I I. X L plus I I. XL की वैल्यू है आपको जैसे पता है 40 प्लस 2 42. नेक्स्ट वन इज X C V I I. X X C प्लस V I I I. आपको जैसे कि पता है कि X C की वैल्यू 90 पीछे भी हमने किया है प्लस 5 6 7 8 तो कितनी हो गई 98. अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में हम रोमन न्यूमरल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर रोमन न्यूमरल्स दिए हो तो उसको हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हम करेंगे राइट ग्रेटर देन और लेस देन साइन. पहले आपने किया हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में रोमन नंबर्स को कैसे करना है, फिर रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक में कैसे लिखना है. अब हम करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिगर है. अगर आप दोनों ही आपको रोमन नंबर दिए गए तो हम पहले उसको रीड करेंगे. ये अब कितनी वैल्यू एक्स एल आई वी. एक्स एल 40 एंड आई वी 4. इट मीन ये क्या बन गया 44 और एल कितना होता है बेटा 50. तो आपको ये पता है कि 44 इज स्मॉलर देन 50. Next one is X C and L. X C C में से 10 subtract किए 90 and L 50. 90 and this is 50. तो कौन सा बड़ा हुआ बेटा 90. We put here sign this. Next one is L V I I. 50, 55, 56, 57. And XL is 40. It means 57 is greater than 40. Next is D XL. XL means 40 and C is 100. You very well know कि 100 is greater than 40. इस तरह से हम मेरे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू हिंदू अरबिक न्यूमरल में कितनी आएगी. उसके बाद हम इसका कंपैरिजन करते हैं. आई होप कि आपको रोमन न्यूमरल्स का चैप्टर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिंबल इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं. आपको पता है कि रोमन न्यूमरल्स में सिर्फ ओनली 7 सिंबल्स आर. इंग्लिश के जो 7 सिंबल्स हैं वही यूज होते हैं आई वी एक्स एल सी डी एंड एम. आई स्टैंड फॉर 1, वी स्टैंड फॉर 5, एक्स स्टैंड फॉर 10, L stand for 40, C stand for 100, D stand for 500 and M stand for 1000. Thank you.